अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी केंद्र सरकार पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। खाने के तेल के भी दर आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण देश में सामान्य जनता, किसान व मजदूरी करने वाले लोगों की आर्थिक परिस्थिति और ज्यादा खराब हो रही है, जिसके चलते उन्हें जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। पहले ही कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और उसमें भी बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम। इसके चलते केंद्र सरकार के विरोध में असंतोष का वातावरण निर्माण हो गया है। उक्त मामले का निषेध करते हुए भंडारा शहर युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष यशवंत सोनकुसरे के नेतृत्व में निवेदन दिया गया। उस समय उनके साथ आशीष दलाल, अश्विन भांगड़कर, मयूर पंचबुद्धे, किरण वाघमारे, स्वप्निल नशीने, एडवोकेट नेहा शिंदे, शेखर गभने, हर्षल येणे, हिमांशु मेंढे, निशांत बुर्डे, अविही डाऊ, रिजवान सैयद, माहिर अंगारी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।